चैंपियंस वेलकम टू आवर उम्मीद बैच। तो हम लोग लाइफ साइंस का फर्स्ट चैप्टर देख रहे थे जिसमें हम लोगों ने 1.A 1.B कंप्लीट कर लिया। किया है आपने? नहीं भैया, हम लोग तो अभी पीछे ही। कोई नहीं, अगर ये सब तो वीडियो मत देखिए, जाकर पीछे वाला ही देख के चलाइए। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, बाकी सब जो भी इसका वीडियो अवेलेबल है 1.A 1.B पे सब देख लीजिए आप लोग। आज हम लोग बेसिकली स्टार्ट करने वाला 1.C अपना, ठीक। और 1.C हम लोग क्या टॉपिक है वो जनरल एक बार थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन देख लें। देखिए इसमें हम लोग क्या पढ़ना है, सबसे पहले पढ़ना है हमें जंतुओं में प्रतिचार रिस्पॉन्स। ये हम लोगों ने पढ़ा था, रिस्पॉन्स हम लोगों ने पढ़ा था उद्दीपन के प्रति जो भी शरीर में परिवर्तन होता है, जो भी हम लोग उसके प्रतिक्रिया करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिचार कहते हैं। इसको हम लोग अच्छा से जानते हैं, ठीक है। ये समन्वय क्या होता है, समन्वय यानी कोऑर्डिनेशन होता है। क्या होता है वो? कोऑर्डिनेशन होता है। जैसे कभी आप दौड़ना जब शुरू करते हैं, जब आप दौड़ना शुरू करते हैं तो देखिएगा आप जोर जोर से सांस लेना लगते हैं। क्यों? क्योंकि उस समय हमारे शरीर को ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। तो हमारा फेफड़ा क्या करता है, जल्दी जल्दी सांस लेके ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन ग्रहण करके हमारे शरीर को प्रोवाइड कर रहा होता है। यानी ये क्या हो रहा है, एक कोऑर्डिनेशन है। हम दौड़ रहे हैं पैर से और हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ रही है, तो सांस कौन ले रहा है, तो मुँह से लेकर फेफड़ा तक पहुँचा रहा है। मतलब ये कोऑर्डिनेशन शरीर का पूरा एक पार्ट एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। यानी कैसे एक दूसरे से हम लोग रिलेट कर रहे हैं, कैसे एक दूसरे के साथ हम कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, वो चीज़ होता है। कोऑर्डिनेट का मतलब ऐसे जनरली बोलो क्या बोले आपको समझाया कैसे कोऑर्डिनेशन। देखिए क्या होता है कोऑर्डिनेशन, मतलब वो चीज़ मतलब समझ क्या होता है। जैसे सपोज कीजिए कि आप क्या बनाइएगा, हाँ चलिए आप लोग किसी कंपनी का ऑनर बन जाइए, मार्कर वाला कंपनी का ऑनर बन जाइए। ये समझिए कि ये मार्कर वाला कंपनी का ऑनर है आप, ठीक है। ये मार्कर वाला कंपनी का आप ऑनर है। तो अब देखिए ये जो मार्कर कंप्लीट है, ये कंप्लीट ही एक आदमी ने तो नहीं बनाया होगा ना, किसी ने इसका पिक्चर डिज़ाइन किया, ठीक। वो पिक्चर डिज़ाइन करना उसका काम है, फिर उसके बाद किसी ने उसको इसका ऊपर वाला बॉडी बनाया, किसी ने इंटरनल पार्ट बनाया, और किसी ने इसका आगे वाला जो ये है लीड ये बनाया, और तब जाके ये काम को कर रहा है लिखने वाला। यानी क्या हो रहा है, विभिन्न विभिन्न पार्ट से बन के तैयार हो रहा है। और यानी देखिए कोऑर्डिनेशन एक दूसरे में, अगर थोड़ा सा भी एक भी डिसबैलेंस हो जाए तो ये काम करना बंद कर देगा। यानी कोऑर्डिनेशन के साथ चला, यानी समन्वय के साथ चला। वैसे ही एक मनुष्य का शरीर जो होता है ना, उसको चलने के लिए आपस में इंटरलेशन होना चाहिए, आपस में एक दूसरे से वार्तालाप सही से उचित मात्रा में होना चाहिए। वार्तालाप मतलब फिजिकली बात नहीं करता हुआ जैसे हम लोग बात करते हैं, मतलब एक दूसरे से कनेक्शन रहना चाहिए, तभी जाके वो फिजिकली मतलब सही से काम कर पाएगा। जैसे हमने आपको उदाहरण दिया, दौड़ते समय हमें ऑक्सीजन की ज़्यादा जरूरत होती है। अगर हमारा ऑक्सीजन मतलब पैर को हमारी जरूरत है ऑक्सीजन को, अगर हमारे फेफड़ा तक उसका कनेक्शन ही नहीं होगा तो ले फेफड़ा ज़्यादा ऑक्सीजन बनाएगा ही, तो पैर काम करना बंद कर देगा। तो कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है। बस समझ में आई आपको समन्वय क्या होती है, ठीक है। तो हम लोग ये जानेंगे इस जंतुओं में प्रति जा रहे हो समन्वय क्या होता है, डेफ्ट पढ़ेंगे, अभी जनरल हमने बता दिया। फिर उसका रासायनिक समन्वय यानी हार्मोन का, जिसको आप लोगों ने नाम सुना होगा, यानी ये जो समन्वय होता है कुछ केमिकल द्वारा होता है जिसको हम लोग हार्मोन बोलते हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर उसी को हम लोग जंतु हार्मोन बोल देते हैं। विभिन्न प्रकार के ग्रंथियां पढ़ेंगे जहाँ से हमें हार्मोन निकलता है, उसको हम जनरल ग्रंथि बोलते हैं, ठीक है। जंतुओं में हार्मोन कितने प्रकार के होते हैं, एक एक हार्मोन का उपयोग क्या है, किस हार्मोन का कहाँ से मिलता है, कमी होगा तो क्या होगा, अधिकता होगी तो क्या होगी, ये सब हम लोग को पढ़ना है। बात समझ में आया? तो बेसिकली हम लोग का ये जंतु हार्मोन करके ये वाला टॉपिक अपना 1.C है। आपका हर एक किताब में लगभग यही मिल जाएगा। बात समझ में आई आपको, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग क्या देखेंगे बाबू, सबसे पहले हम लोग जंतुओं में प्रतिचार यूँ समन्वय पढ़ लेंगे। तो प्रतिचार हमें आप नहीं पढ़ा रहे, क्योंकि प्रतिचार तो आपको हम पढ़ा चुके हैं। प्रतिचार क्या होता है बाबू, हमें पता है कि वातावरण में हम सदा परिवर्तन होते रहता है, वातावरण में सदा परिवर्तन होते रहता है। अब वो परिवर्तन को जो बाहर से उद्दीपन मिल रहा होता है उसको ग्रहण कर उसके अनुसार प्रतिक्रिया करना क्या कहलाता है बाबू, हमें प्रतिचार कहलाता है। ये हम लोग बहुत अच्छे से पढ़े थे, पौधों में पढ़े थे, वही सेम प्रक्रिया इंसान में भी होती है, मनुष्य में जो भी जीव जंतु है होती है। बात समझ में आया? हाँ, समन्वय को मनुष्य में बहुत ज़्यादा जरूरी है समझना, क्योंकि मनुष्य का जो समन्वय होता है, मनुष्य का जो कोऑर्डिनेशन होता है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है, बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मतलब बहुत ही मतलब उलझा हुआ रहता है, जिसको आसानी भाषा में समझना बहुत मुश्किल होता है। चलिए जंतु में प्रतिचार है रासायनिक समन्वय, हम लोग यहाँ पे रासायनिक समन्वय का ही चैप्टर पर वैसे ये वाला जो 1.C है इस पर बात करने वाले हैं, लेकिन हम लोग इसको हट के थोड़ा सा आगे बढ़े। हमारे शरीर के विभिन्न अंगों, हमारे शरीर के विभिन्न अंगों, तंत्रों एवं जैविक क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए उनका नियंत्रण एवं समन्वय जरूरी है। समझ आई? जैसे हम लोग समझिए कि इसको हम लोगों का हाथ है, इस पर हमें नियंत्रण होना चाहिए। अब नहीं तो हमारा नियंत्रण नहीं होगा तो हम रख रहे हैं यहाँ पे, ये उड़ रहा है हवा में, हमें पता ही नहीं कहाँ है, तो हमारा तो इससे नियंत्रण होना चाहिए। बात समझ में आया? और उसके बाद नियंत्रण समझ में आया आपको, अंग अंग मतलब कोई भी हाथ तो ले सकता है, अंग मतलब अंग तंत्र सब नहीं कर पाइएगा, ठीक है। हम लोग एक एक अंग समझ गए, अंग मतलब हाथ पैर होता है,
तंत्र मतलब आपको बताएंगे आगे क्या होता है इंटरनल में, जब तंत्र का तंत्र पढ़ना वहीं पर लोग तंत्र वगैरह का जिक्र कर लेंगे, ठीक है। जैविक क्रिया है मतलब उन लोगों का खाना पचना उचना ये सब जिक्र आया, ठीक है, बात समझ में आया। अब हम लोग यहाँ पर नियंत्रण को पहले समझ लें, फिर हम लोग सोने पर आते हैं। नियंत्रण समझ में आया कि यानी हम लोग किसी भी अंग को कैसे नियंत्रित कर रहे हैं। हम अपना पैर को यहाँ पर स्टेबल रखें, ये स्टेबल है, हमने यहाँ पर अब इसको रख दिया, ये स्टेबल है, क्यों? क्योंकि हमारा अपना हाथ पे नियंत्रण है। अगर यही हम अपने हाथ पे नियंत्रण नहीं रख पाते तो क्या होता है? देखिए कभी कभी किसी किसी का हाथ कांपते रहता है, यानी उसका नियंत्रण में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है, ये हो गया। अब समन्वय क्या होता है? समन्वय देखिए, जब हम आपके सामने ये जो बोल रहे हैं, हम ब्रेन में कुछ सोच रहे हैं और ब्रेन से हम माउथ तक का एक कनेक्शन किए हुए हैं, यानी ब्रेन में हम जो सोच रहे हैं हमारा मुंह बोल रहा है, ठीक है, तो ये कनेक्शन है, यानी हम क्या कर रहे हैं, समन्वय कर पा रहे हैं, एक दूसरे में इंटरलेट कर पा रहे हैं, कोऑर्डिनेशन कर पा रहे हैं। बात समझ में आई आपको? कोऑर्डिनेशन और नियंत्रण समझ में आ गया। तो यानी हम लोग क्या होता है, शरीर के विभिन्न अंगों तंत्रों और जैविक क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए, यानी सही से हम लोग का शरीर काम कर सके, उसके लिए क्या जरूरत होती है, नियंत्रण जरूरत होती है और समन्वय जरूरी होती है, ठीक है। और जो हम लोग का समन्वय होता है ये दो तरीके से होता है, कैसे होता है बाबू, ये दो तरीके से होता है, कौन कौन सा, भौतिक समन्वय और रासायनिक समन्वय, भौतिक समन्वय और रासायनिक समन्वय। रासायनिक क्या होता है बाबू, कोई भी केमिकल होता है, ठीक है, जैसे हम लोग देख रहे थे हार्मोन, पादप हार्मोन ही पढ़ रहे थे, तो वहाँ पे हमने ऑक्सीजन वगैरह देखा था, सब सब क्या 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 था, केमिकल था, वैसे हम लोग रासायनिक समन्वय कि रासायनिक समन्वय होता है वो केमिकल द्वारा हम लोग का बॉडी से इंटरलेट किया जाता है एक दूसरे से, ठीक है। चलिए हल बढ़ाना नहीं है आपको, टेंशन नहीं, एक एक चीज़ बहुत बारीक से समझाएंगे हम, ठीक है। जस्ट अभी तो आप लोग को ये समझ में आया तो कि समन्वय और नियंत्रण क्या होता है, अब बाकी तो हम लोग एक एक मतलब डेफ में चर्चा करेंगे, उसको आपको हरवाना नहीं है, ठीक है। चलिए अभी हम लोग किससे बात करेंगे बाबू, भौतिक समन्वय पर सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है। चलिए देखिए थोड़ा सा मिटा दे इसको, मिटाने वाला मिलेगा, मिटाने वाला हम डेली डेली भूल जा रहे हैं आजकल, थोड़ा सा देखिए मिटाने वाला कहीं हो तो दे दीजिए। चलिए मिला, देखिए हम लोग किस पर बात करेंगे, अपना हम लोग भौतिक समन्वय पर बात करेंगे। भौतिक समन्वय देखिए, जब हम लोग चल रहे होते हैं, जब हम लोग चल रहे हैं या दौड़ रहे हैं या मतलब कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हैं, उस समय क्या होता है, पैरों की मांसपेशियाँ, पैरों की मांसपेशियों को अधिक, यानी पैर में जो हम लोग का एड़ी उड़ी कटा पास आसपास मांसपेशियाँ है, यहाँ पे क्या बोलते हैं, जो हम लोग का ऐसे पैर रहता है बाबू, ऐसे हमको डायग्राम कोई खास आता नहीं है लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं, ऐसे अगर हम लोग का पैर रहता है तो यहाँ पे देखिएगा ये सब जो चीज़ें रहती है, ये सब मांसपेशियाँ जो रहती हैं, ठीक है, सुन में, ये सब जो मांसपेशियाँ हम लोग का, ठीक है, और भी बहुत सारी मांसपेशियाँ पर्टिकुलर यहीं पर सबसे ज़्यादा रिक्वायर होती है। देखिए पैरों की मांसपेशियों को अधिक ऑक्सीजन एवं ग्लूकोज की आवश्यकता होती है, यानी जो पैरों की मांसपेशियाँ होती हैं उनको क्या अच्छे होता होता बाबू, जब हम लोग एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, जब हम लोग चल रहे होते हैं, पूरा बॉडी का वेट तुम्हें पे जा रहा है ना, तो हम लोग क्या होता हो, पैरों की मांसपेशियों को अधिक ऑक्सीजन एवं ग्लूकोज की आवश्यकता होती है, ठीक है। इसका अनुभव कौन कर रहा है, मस्तिष्क कर रहा है, यानी सोचिए पैर से अगर मस्तिष्क तक सामने तो है, ठीक है, इसका अनुभव कर मस्तिष्क तंत्रिका, अब तंत्रिकाएं संवेदनाएं, अब तंत्रिका क्या होती है हम लोग को पढ़ना है 1.D में, ठीक है। अभी जस्ट समझ लीजिए कि कुछ जोड़ने वाला, जैसे हम लोग क्या होता है, हम लोग स्विच से लेके जो स्विच होता है हम लोग का बोर्ड, वहाँ से तार जोड़ते हैं और किसी बल्ब पर ले आकर जोड़े हैं, यानी जब स्विच ऑन कर रहे हैं तो बल्ब चल जाता है, यानी वहाँ से वहाँ तक रिलेशन है, वैसे ही हम लोग का शरीर में भी एक तंत्रिका पाया जाता है जो तार के समान ही काम कर रहा है, जोड़ने का कनेक्शन है, वो हम लोग बहुत अच्छा से समझेंगे, ठीक है। इसका अनुभव कर मस्तिष्क तंत्रिकाएं संवेदनाओं को शरीर के विभिन्न भाग ये हृदय को निर्देश भेजता है, यानी हृदय को ऑर्डर देता है ये काम करने के लिए, ठीक है, जिससे फेफड़ा द्वारा तीव्र एवं गहरी सांस ली जाती है, जिससे हम लोग क्या होता है बाबू, फेफड़ा द्वारा हम लोग जल्दी जल्दी सांस लेने लगते हैं और गहरा गहरा सांस लेते हैं। देखिए आप दौड़ के क्या होता है, आप हाफ से जाइए जल्दी जल्दी सांस ले रहे हैं, ठीक है, वही चीज़ हो रहा है, कंडीनेशन है वो आपका, ठीक है। जो हृदय तेजी से रक्त पंप करता है, हृदय भी क्या करने लगता है, जल्दी जल्दी रक्त उठा के पंप करने लगता है, ठीक है, समझ में आया। इस प्रकार पेशियों में ऑक्सीजन और ग्लूकोज की जो अधिक आपूर्ति हो रही थी वो उसकी पूर्ति हो जाती है। इस प्रकार विभिन्न अंगों एवं तंत्रों के कार्यों के बीच समन्वय, यानी जो आपस में कोऑर्डिनेशन स्थापित हुआ, एक दूसरे से रिलेट हुआ, किसके द्वारा हुआ बाबू, तंत्रिका तंत्र द्वारा हो जाता है। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं बाबू, भौतिक कहते हैं, इसे हम लोग क्या कहते हैं, भौतिक कहते हैं। इस कोऑर्डिनेशन में देखिए कोई भी केमिकल इन्वॉल्व हुआ नहीं, भैया हमको उतना कोई खास समझ नहीं आया, बताते और अच्छा से बताते हैं, इसको और डेप्थ में समझिए तब क्लियर हो जाइएगा, ठीक है। हड़बड़ाना नहीं एकदम, आपको टेंशन लेना नहीं, एकदम रिलैक्स रह के चीज़ों को समझना है शांति से, ठीक, धैर्य रख के समझिए। देखिए ये सपोज कीजिए कि एक इंसान है, ठीक,
अब इसका हम हाथ हाथों नहीं बना, डायरेक्ट पैर बना रहे हैं, ठीक है भैया। ऐसा भी इंसान होता है क्या? ये हमारा काल्पनिक इंसान है। कौन है बाबू? काल्पनिक इंसान है जिसे हम लोगों ने केवल क्या किया है, पढ़ने के लिए बनाया है। ऐसा हकीकत में इंसान नहीं होता है। ठीक, ये देखिए, ये जो हम लोग जब कभी मोशन कर रहे होते हैं, यानी चल रहा होता है, ये इंसान जब आगे चलेगा, ठीक है, जब इंसान आगे चलेगा तो इसको पैरों की क्या होगी, इसका जो पैर है उसको अधिक मात्रा में ऑक्सीजन और ग्लूकोज चाहिए होगा। ग्लूकोज तो आप लोगों को पता है ना, जो शरीर हम लोग का प्रोटीन वगैरह टाइप है, एक मतलब खाद्य पदार्थ का जो रस निकलता है उसमें से ग्लूकोज भी सर्वाइव हो रहा होता है, ठीक है, जो एनर्जी देता है शरीर को सीधा पसंद। तो ऑक्सीजन आपको पता है O2 और ग्लूकोज भी। तो अब देखिए इसका पैर का जो मांसपेशिया है, ठीक, इसको ऑक्सीजन और ग्लूकोज की जरूरत होगी। अब क्या होगा, इसको अब ज़्यादा मात्रा में ग्लूकोज चाहिए जो, और ऑक्सीजन चाहिए जो इतना जरूरत, मतलब जितना नॉर्मल स्टेज में चाहिए होता है। अब जब इसको ज़्यादा मात्रा में चाहिए होता है तो ये क्या करेगा, अब सिग्नल भेजेगा यहाँ से, एक तार जैसा समझिए कि जुड़ा हुआ रहता है, एक तार जैसा ब्रेन तक का जुड़ा हुआ रहता है आपस में, जो तंत्रिका तंत्र द्वारा जुड़ा रहता है। हम लोग इसको बाद में समझेंगे तंत्रिका तंत्र क्या होती है। अब तंत्रिका तंत्र द्वारा एक सिग्नल भेजेगा ये ब्रेन को, भाई हमें ऑक्सीजन चाहिए और ग्लूकोज चाहिए। अब ब्रेन बोला अच्छा ठीक है, तुमको ये चाहिए? वो बोला ठीक है, हम तो व्यवस्था कराते हैं तुम्हारा। ये क्या किया, हमारे फेफड़ा और हमारे दिल को सिग्नल भेजेगा, ओए तुम लोग का काम है आ जाओ जल्दी, काम कर लग जाओ। और फेफड़ा क्या करेगा, जल्दी जल्दी सांस लेना और गहरी गहरी सांस लेना शुरू कर दिया। और दिल क्या करेगा, जल्दी जल्दी पंप करना शुरू कर दिया, जल्दी जल्दी क्या कर रहा है, ब्लड को पंप कर रहा है। अब दोनों अब जल्दी जल्दी कार्य कर रहे हैं जिससे शरीर में जितना यहाँ पर रिक्वायर्ड थी उसकी मात्रा की पूर्ति हो जाएगी। बात समझ में आया? तो ये किसके द्वारा हो रही है, एक तार जैसा अंदर में कुछ गया है जिसको हम तंत्रिका तंत्र कहते हैं। तो ये क्या हो रहा है कि इसमें मतलब फिजिकली कुछ इन्वॉल्व हो रहा है, कोई केमिकल इन्वॉल्व नहीं हो रहा है। तो इसीलिए बाबू हम लोग इसको क्या कहते हैं, भौतिक सौम्य। इसको क्या बोलते हैं, भौतिक सौम्य बोलते हैं। बात समझ में आई? इसलिए जब हम लोग आगे बढ़ेंगे 1.D में, तो हम लोग का 1.D में पूरा तंत्रिका तंत्र को ही पढ़ाया गया है। और यही पढ़ना है कि ये कैसे सिग्नल भेज रहा है, कौन हम लोग का सिग्नल ले रहा है, कौन इसको काम करने लगा रहा है, ये सब हम लोग एक एक करते तोड़ के पढ़ना है। बात समझ में आ गया? इस बात से आपको डाउट है, कोई भी डाउट होगा आप अभी पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, हम नेक्स्ट वीडियो में आपका रिप्लाई देने का कोशिश कर देंगे। चलिए, अब आपको भौतिक सौम्य तो समझ में आ गया, और भौतिक सौम्य किसके द्वारा नियंत्रित होता है, वो तंत्रिका तंत्र द्वारा नियंत्रित होता है। ठीक है, जिस तंत्रिका तंत्र पर हम लोग 1.D में बहुत डेप्थ में बात करेंगे, समझिए कि वही अब आपका इस चैप्टर में अगर कुछ दम बचा है ना तो 1.D ही है, तंत्रिका तंत्र ही बचा है, उसके अलावा तो कुछ नहीं होता कुछ खास। चलिए, अब हम लोग किस पर बात करेंगे बाबू, रासायनिक सौम्य में बात करेंगे। रासायनिक मतलब बाबू कोई भी केमिकल, कोई भी तरल पदार्थ जैसा केमिकल एक रहता है, ठीक है, जो हमें ऐसा स्वतंत्र रूप से दिखता नहीं है। ठीक, दिखता तो ऐसा तंत्रिका तंत्र नहीं, मतलब समझिए कि लिक्विड फॉर्म में ही रहता है। देखिए, आपने ये महसूस किया होगा जो बातें यहाँ पर लिखी होंगी, जब आप कभी अचानक बहुत जल्दी से, मतलब अचानक ऐसे समझिए कि कहीं जा रहे हैं और जाते जाते आपके सामने रास्ता पर अचानक सांप दिख गया, अब क्या कीजिएगा, डर जाते हैं। अब जब डरते हैं तो क्या होता है, आपका हार्ट बीट बढ़ता है, यानी जो हृदय की गति का धड़कन होता है, यानी हृदय की जो धड़कन होती है वो बढ़ जाती है और रोंगटे खड़े हो जाते हैं। देखिए वही बात बोला जा रहा है, अधिक भय की स्थिति में शरीर के रोए खड़े हो जाते हैं, अधिक भय की स्थिति में शरीर के रोए खड़े हो जाते हैं, दिल की धड़कन तीव्र हो जाती है, दिल की धड़कन तीव्र हो जाती है, यू रक्तचाप बढ़ जाता है, यू रक्तचाप बढ़ जाता है। इसे सामान्य स्थिति में लाने के लिए एड्रेनलिन ग्रंथि, इसके बारे में हम लोग पढ़ना है डेफ में, ठीक है, एड्रेनलिन हार्मोन होता है, ठीक है, इसको आपातकालीन हार्मोन भी पढ़ते हैं, हम लोग डेफ में पढ़ेंगे, अभी बढ़ा नहीं है आपको, ठीक है। एड्रेनलिन ग्रंथि के कार्टेक्स से, कार्टेक्स से एड्रेनलिन हार्मोन का स्रावत होता है जो सामान्य स्थिति बनाने और तनाव को बर्दाश्त करने में सहायता करता है। अगर ये हार्मोन ना निकले ना तो स्ट्रेस लेवल हम लोग झेल नहीं पाएंगे, ठीक है। बात समझिए अब क्या हो रहा है, इसको बात समझने की सोचिए, ठीक है। देखिए, आप अधिक भय के समय आपको अधिक डर लगा, जब आपको डर लगा तो क्या हुआ, उसका ये रोंगटा खड़ा हो गया, ठीक है। अभी तो खैर हमारा खड़ा नहीं है जो आपको हम दिखा सके, हमको डरना पड़ेगा, अभी डरे कैसे हम, कभी डरेंगे तो आप वीडियो बना के आपको दिखा देंगे, ठीक है। आप डर के खुद महसूस किए, कभी ना कभी महसूस किए होंगे, ठीक है। अधिक भय की स्थिति में शरीर के रोए खड़े हो जाते हैं, ठीक है, दिल की धड़कनें तीव्र हो जाती हैं, ये हर कोई महसूस किया होगा, दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं, ठीक है, तो दिल की धड़कनें तीव्र हो जाती हैं, यूं रक्तचाप बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर BP, ठीक है, रक्तचाप बढ़ जाता है। इसे सामान्य स्थिति में लाने के लिए, यानी इसे नॉर्मल रह सके हम लोग का बॉडी, सामान्य स्थिति में लाने के लिए एड्रेनलिन ग्रंथि के कार्टेक्स से, एक एड्रेनलिन ग्रंथि होता है, जब बोले ग्रंथि के बारे में पढ़ाएंगे, डेफ्ट पढ़ाएंगे, एड्रेनलिन ग्रंथि के कार्टेक्स भाग से एड्रेनलिन हार्मोन का शुरुआत होता है, यानी एड्रेनलिन हार्मोन से निकलता है जो स्थिति को सामान्य बनाने का
कार्य करता है और स्ट्रेस लेवल को बर्दाश्त करने का क्षमता देता है। अब ये देखिए इसमें क्या हो रहा है, एक हम लोग क्या हो रहा है, एडलिन हार्मोन यानी एक केमिकल निकल रहा है, एक केमिकल निकल के इस चीज़ को बैलेंस कर रहा है ना, इस चीज़ को कोऑर्डिनेशन कर रहा है, यानी सामने कौन स्थापित कर रहा है यहाँ पे, एक केमिकल स्थापित कर रहा है, बात समझ में आया। तो अब केमिकल जब स्थापित करता है तो इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, रासायनिक समन्वय यानी केमिकल कोऑर्डिनेशन इसको कहते हैं। क्लियर हुए आप केमिकल और फिजिकल कोऑर्डिनेशन में, बात समझ में आया, ठीक है। हार्मोन को रासायनिक समन्वय कहा जाता है, यानी केमिकल कोऑर्डिनेशन हार्मोन को कहा जाता है, ठीक है। यानी शरीर को हमारा समन्वय करने के लिए दो मीडियम रहता है, यानी दो तरह से हम लोग समन्वय कर सकते हैं अपने शरीर को, यानी अपने शरीर में कोऑर्डिनेशन हम कैसे स्थापित कर सकते हैं बाबू, एक तो फिजिकल और दूसरा केमिकल। फिजिकल में कौन कंट्रोल कर रहा होता है, तंत्रिका तंत्र, और केमिकल में कौन कंट्रोल कर रहा होता है, हार्मोन। तो इसीलिए हम लोग का 1.C में हमें क्या पढ़ना है बाबू, हार्मोन पढ़ना है, और 1.D में क्या पढ़ना है, तंत्रिका तंत्र पढ़ना है। क्लियर हो गया दोनों चीज़ों में, ठीक है। तो ये सब चीज़ें थी जो आपको हम लोग को समन्वय को पहले पूरा क्लियर करना था। अब नेक्स्ट वीडियो से आपको अब समझ में आएगा कि अब पहले क्वेश्चन ही रहता है कि भैया हम हार्मोन क्यों पढ़ रहे हैं, तो ये सब चीज़ें क्लियरिटी मिली एकदम आपको सटीकता से, आप उस चीज़ों को लेकर क्लियर रहें कि हार्मोन इसलिए पढ़ रहे हैं, हार्मोन ये होता है, ठीक है, इसलिए ज़रूरत होता है। पार्टिकुलर एक एक हार्मोन का हम लोग देखेंगे डिफरेंट डिफरेंट कार्य, लेकिन पूरा हार्मोन जो है वो क्यों शरीर में हम लोग का एक अवेलेबल है, समझ में आया, क्योंकि हम लोग का कोऑर्डिनेशन हो सके। जैसे हम लोग का ये भय वाला चीज़ एक हमने एक उदाहरण देते हुए आपको समझाया है, बात समझ में आ गई आपको। तो दो तरह का हम लोग कोऑर्डिनेशन होता है, केमिकल कोऑर्डिनेशन है, फिजिकल कोऑर्डिनेशन। केमिकल कोऑर्डिनेशन जो होता है हम लोग हार्मोन द्वारा कंट्रोल हो रहा होता है, और फिजिकल कोऑर्डिनेशन किसके द्वारा कंट्रोल होता है, वो तंत्रिका तंत्र, जिसको हम लोग न्यूरॉन वगैरह भी, जिसको बारे में हम लोग डेप्थ में चर्चाएं करेंगे। तो 1.C हम लोग का पूरा रासायनिक समन्वय यानी हार्मोन के ऊपर निर्भर करेगा पूरा, ठीक है, ये समझ में आई आपको। चलिए तो यहाँ पर हम लोग समझ गए कोऑर्डिनेशन वगैरह क्या होता है, चेंज हो जाओ भाई, हाँ कोऑर्डिनेशन वगैरह क्या होता है ये समझ गए, हाँ ये वाला चीज़ हम लोग क्लियर है, ठीक। अब नेक्स्ट वीडियो से हम लोग हार्मोन का इंट्रोडक्शन देखेंगे, या जिसको हम लोग जंतु हार्मोन या रासायनिक समन्वय तो समझ गए ना आपके, अब हार्मोन को ही बोलेंगे हम लोग, या जंतु हार्मोन को पूरा हम लोग समझेंगे क्या होता है क्या नहीं होता है, ठीक है, मतलब एक जनरल इंट्रोडक्शन ले लेंगे हम लोग जंतु हार्मोन का। फिर उसके बाद हम लोग विभिन्न प्रकार की ग्रंथियाँ देखेंगे, क्योंकि आपने देखा वहाँ पे एड्रेनलिन के कार्टेक्स से प्रभावित होता है, यानी एड्रेनलिन ग्रंथि जो है उसका कार्टेक्स निकल रहा है, यानी एड्रेनलिन ग्रंथि से निकल रहा है, यानी आपको पहले ग्रंथि पता रहना चाहिए तब आप समझ पाइए हार्मोन को कहाँ से कौन सा निकल रहा है। तो हम लोग पहले यहाँ पर ग्रंथि समझ लेंगे, फिर उसके बाद हार्मोन को एक एक समझेंगे, फिर हार्मोन का कार्य समझेंगे, हार्मोन की अधिकता समझेंगे, हार्मोन की कमी समझेंगे, फिर हार्मोन चैप्टर ही खत्म हो जाएगा, फिर उसके बाद हम लोग तंत्रिका तंत्र अपना चर्चा करेंगे, ठीक है। चलिए तो अब आप इसका डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, ये वाला PDF आपको मिल जाएगा, उसके बाद उसको डाउनलोड कीजिएगा, डाउनलोड करने के बाद से अपना नोट्स प्रिपेयर कर लीजिएगा और तैयारी करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।